हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्ज़ी और खस्ता कचौड़ी। तो ये हैं कुछ मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, थोड़ी आमचूर पाउडर है, थोड़ी सी हींग है। ये हैं दो टमाटर जो हमने कट करके रखे थे, दो हरी मिर्ची हैं इनको भी हमने बीच में से काट लिया है, ये जीरा और इलायची डाल दी हमने। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची भी डालेंगे, ये भी भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो हमने निकाल के रखे थे, इसको भी इसमें डाल देंगे और इसको भून लेंगे 2 मिनट तक। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जो हैं जल ना जाएं, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल ना रिलीज़ हो जाए। तो ऑयल आ चुका है, आपने देखा अच्छे से, ऑयल सारा हमारा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे, ये आलू, इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले में। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको थिक या पतली ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, इसको ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं कचौड़ी का, दाल का। तो ये सौंफ है, जीरा, काली मिर्ची, हींग, ये सब हमने डाल दिया। इसको हम भून लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें दाल देंगे जो हमने भिगो के रखी थी, इसको भी भून लेंगे। ये कुछ मसाले हैं, धनिया, आमचूर पाउडर है, नमक है, मिर्ची है और गरम मसाला है और थोड़ी सी हींग है, इसको भी हम भून लेंगे। अब हमने थोड़ा सा धनिया डाला है, हरा धनिया, ये हमने मिक्सी में इसको पीस लिया है। ये हमारी सब्ज़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी आलू की, इसमें हरा धनिया डालेंगे। सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब तैयारी कर लेते हैं कचौड़ी की। तो ये है मैदा, इसमें नमक और अजवाइन डाला है हमने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हाफ कटोरी से थोड़ा कम है। इसको अच्छे से गूंथने के बाद ये हमारा मैदा हो चुका बिल्कुल रेडी। ये हम स्टफिंग भरेंगे इसमें, अब इसको भर लेंगे अच्छे से, दबा दबा के इसको बंद करना ताकि ये फट ना जाए, नहीं तो इसमें ऑयल भर जाएगा। ये तेल हो गया हमारा गर्म, ये मीडियम हॉट ऑयल है। कचौड़ी हमारी हो गई बिल्कुल रेडी। सॉरी गाइस, थोड़ी वीडियो कट हो गई थी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई, पर ये देखिए कचौड़ी हमारी एकदम फूली फूली बनी है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी सब्जी आलू की गर्मा गर्म।